my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. देख सकते हो रायपुर कितना बिजी सिटी है, भीड़ तो देखिए जरा। बूढ़ा तालाब में कितने लोग आए हुए हैं, सामने में मंदिर। कार से निकले ना इसलिए यहाँ पूरा गर्मी लग रहा है, यहाँ का टेम्परेचर कुछ हाई है। बिल्ली जगह जगह दिख जाते हैं, देख सकते हो कैसे भाग रही है। 18 प्लेट को तो देख सकते हो सभी तरफ लाइट लगी हुई है, कुछ ऐसा नज़ारा है। रात में बड़ा ही सुंदर लगता है यहाँ। और ये इधर तालाब है और इधर भी तालाब है, बीच में से चलने का बना हुआ है, देख सकते हो बहन आ रही है। जहाँ आप फैमिली के साथ आके फ़ोटो खिंचा सकते हो यहाँ पे। और ये छोटा सा गार्डन है। तो फाइनली हम बूढ़ा देव जो मूर्ति है बड़ा सा उसमें आ गए, और उधर बोटिंग चल रहा है, वाटर बोटिंग। कुछ ऐसे दिखता है दोस्तों। तो यहाँ लाइट के कारण काफ़ी ज़्यादा गर्मी कर रही है, जो उसमें पड़ रहा है। रात में यही अच्छा लगता है देखने में। और इधर का व्यू कुछ ऐसा है, तालाब जिसमें बोटिंग हो रही है अभी। इधर भी गार्डन एरिया है, और यहाँ से आप वाटर बोटिंग का वो कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। ये इधर से उस तरफ जाने का रास्ता है। जी जी निकल रहे। जय भोले। तो गाइस पापा बता रहे हैं बूढ़ा देव का ये शिवलिंग यही स्थापित यही किया गया है, ये नंदी महाराज। अभी तो कुछ बना ही नहीं है, पता नहीं कब बनेगा। तो देख सकते हो भाई लोग पानी का मजा ले रहे हैं ठंडे ठंडे में उतर के। पानी गंदा है पूरा। अठारह अप्रैल को तो यहाँ आने के लिए भीड़ सोचना पड़ेगा। रेस चल रहा हुआ है, आसपास चौपाटी मिल जाएगी आप लोग को। इधर भी शिव नाम का मंदिर है। तो गाइस अगर आप कार में आते हो इधर तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि आपको 20-25 मिनट निकलने में लग जाएगा। अगर बाइक में है तो कोई टेंशन नहीं है, बाहर वैसे भी बहुत गर्मी। हटो हटो हटो। सब जगह जाम। रायपुर ना धीरे धीरे दिल्ली बन रहा है साला, भीड़ के कारण ट्रैफिक इतना है। सिद्धार्थ चौक पुराना नाम टिकरा। 50 बढ़िया बनेगा। ये है ब्रांड ऑफ राज घराना। ऊपर और भी रेस्टोरेंट, नीचे का दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये कुछ बेकरी आइटम रखी है, इधर केक पेस्ट्री। बर्थडे सेलिब्रेशन, पेटीज, हॉट डॉग सब मिल जाएगा। ठीक है।
जैसा आप देख सकते हो। रेडी हो रहा है दही गुपचुप, ला रहा हूँ बुला। कस्टमर भी